एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर दौरे पर रहेंगी, जहां वे भाजपा सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर समर्थन मांगेगी। हालांकि ये चुनाव आम जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन भाजपा इस चुनाव से आम जनता को जोड़ने के लिए मुर्मू के सम्मान में रोड शो का आयोजन भी करेगी। भाजपा ने मुर्मू के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो का आयोजन करने की तैयारी की है और एयरपोर्ट से लेकर होटल क्लार्क्स आमेर तक भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। रास्ते में फूलों की बरसात होगी और आदिवासी तरीके से इनका स्वागत किया जाएगा। वहीं आदिवासी समाज के लोग भी नाच गाकर आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। उनके सम्मान में स्वागत द्वार और तोरण द्वार लगाए गए हैं, जहां फूलों की बरसात होगी। एयरपोर्ट पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सभी सांसद, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर दौरे पर रहेंगी, तो वहीं एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, भाजपा के सभी सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो वहीं रोड शो का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी तरीके से भव्य स्वागत किया जाएगा। करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो एयरपोर्ट से होटल क्लार्क्स आमेर तक रोड शो निकाला जाएगा। भव्य तैयारियां की गई हैं, जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए हैं। इस दौरान पुष्प वर्षा भी की जाएगी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर दौरे पर रहेंगी।